हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली दो साल के बाद शाहिद कपूर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्म लेके आने वाले, जिनमें से दोस्तों आज उनकी सबसे बड़ी फिल्म जो कि जर्सी 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर 5:30 बजे आने वाला है। दोस्तों उसका रिव्यू करने वाला हूँ, तो दोस्तों उसके लिए मैं बोलता हूँ कि शाहिद कपूर की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। वैसे दोस्तों जर्सी के बाद जो फिल्म आने वाली है, मैं इस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये शाहिद कपूर की करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर वो कुंती पुत्र कर्ण का रोल करते नजर आएंगे, जो कि महाभारत का एक अहम हिस्सा था। और दोस्तों इस फिल्म का टाइटल भी कर्ण रहने वाला है। और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। जी हाँ दोस्तों, ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म रहने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्शन वो देने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। और दोस्तों इस फिल्म के अंदर एकदम हैवी कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा और दोस्तों बड़े बड़े हथियार देखने को मिलेगा, जिस तरह से बाहुबली पद्मावत और बाजीराव मस्तानी फिल्म के अंदर देखने को मिला था, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड और देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों शाहिद कपूर के अलावा और कोई स्टारकास्ट रिवील नहीं की, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की जल्द से जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस फिल्म की स्क्रिप्ट शाहिद कपूर को बहुत ही पसंद आई है और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी है। और दोस्तों जब भी ये फिल्म रिलीज होगी, ये फिल्म पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी। और दोस्तों शाहिद कपूर की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है कबीर सिंह, जिसने अपने लाइफ टाइम में 270 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। दोस्तों इसके अलावा शाहिद कपूर अपने फैंस के लिए एक और बड़ी फिल्म लेके आने वाले हैं, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं जाने माने डायरेक्टर अली अब्बास जफर, जिन्होंने सलमान खान की सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्शन दिया है। लेकिन दोस्तों ये एक वेब सीरीज रहने वाली है, यानी कि दोस्तों शाहिद कपूर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्म लेके आने वाले हैं। और दोस्तों वो अब वैसी फिल्म करने वाले हैं जिससे उनके फैन फॉलोइंग और उसकी उनके करियर का ग्राफ ऐसे बढ़े, ऐसे नहीं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बीच में कई सारी फ्लॉप फिल्म दी थी, लेकिन दोस्तों पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चूज करते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ से आप कितने एक्साइटेड है। और दोस्तों आज ट्रेलर आने वाला है तो उसका रिव्यू भी आएगा, तो दोस्तों उस रिव्यू को देखने के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी देना।